नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, नई संसद बनाने का रास्ता हुआ साफ, पीएम मोदी ने देश को दिया बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने की कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआत। पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को 86वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। किसान और सरकार के बीच हुई 8वीं बैठक में भी नहीं निकला हल। वहीं कोरोना महामारी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसीलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन ने एलएसी पर दिखाई अपनी हरकत। एलएसी से महज 200 मीटर की दूरी पर तैनात किए टैंक, भारतीय सेना हुई पूरी तरह चौकस। नई संसद का बनाने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को सही ठहराया। भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में आई मामूली गिरावट, पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 16,375 नए मरीज। कोरोना महामारी के बीच देश में अब बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पोंग बाग अभयारण्य में बीते एक हफ्ते में 1800 प्रवासी पक्षी हुए इसके शिकार। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआत। इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुए करीब 3,000 करोड़ रुपए। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को 86वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, वरिष्ठ एवं सम्मानित नेताओं में मुरली मनोहर जोशी एक, देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान। कोवैक्सीन को पानी बताने पर भड़के बायोटेक अध्यक्ष, सीरम पर किया पलटवार। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला का नाम लिए बिना इल्ला ने कहा, हमने 200% ईमानदार नैदानिक परीक्षण किए हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 के नए स्ट्रेन को रोकने के लिए फिर लगाया संपूर्ण लॉकडाउन, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल भी रहेंगे बंद। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई ठंड, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने गिराया तापमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से जाएंगे श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर, इस दौरान कर सकते हैं मछुआरों की रिहाई की बात। कल किसान और सरकार के बीच हुई 8वीं बैठक में भी नहीं निकला हल, अब 8 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार ग्राहकों के हित में किया बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन फ्रॉड होने पर बैंक करेगा ग्राहकों के नुकसान की भरपाई। WHO प्रमुख ट्रेडोस अधानोम घेब्रियसिस ने कोरोना वैक्सीन को लेकर की भारत की तारीफ। कहा, कोरोना मामले को खत्म करने में भारत ने उठाए हैं सराहनीय कदम। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकार आयोग ने मंदिर मामले पर सौंपी रिपोर्ट। रिपोर्ट में मामले से जुड़े सभी प्रासंगिक विवरण और साक्ष्य एकत्रित करने का दिया सुझाव। कनाडा में कोरोना महामारी के बीच मंत्रियों को विदेश में छुट्टियां मनाना पड़ा भारी, 8 नेताओं को अपने पद से देना पड़ा इस्तीफा। तीसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, केएल राहुल चोट के चलते हुए सीरीज से बाहर, BCCI ने खुद दी इस बात की जानकारी। तीसरे टेस्ट से ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी कर सकते हैं डेविड वार्नर। चीफ कोच जस्टिन लैंगर ने सेलेक्टर्स के साथ हुई मीटिंग के बाद दिए संकेत। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ को कहा लोकल क्रांतिकारी, दिलजीत ने दिया करारा जवाब, बोले तुम्हें अपना PR बना लेता हूँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज मना रही है 35वां बर्थडे, एक्टर प्रभास, आलिया भट्ट समेत कई सेलिब्रिटीज ने किया उन्हें विश। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।